नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, इस समयावधि में 25 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि में 12:39 पर दैत्य गुरु शुक्र ये सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। तो ऐसे में नीचस्त अवस्था में ये 18 सितंबर 2024 तक ये गोचर करने वाले हैं। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से कई राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता मिलने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी मिलने वाला है। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। जब अपना परिवर्तन करेंगे तो किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता प्रदान कर सकते हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। देखिए, शुक्र के बारे में यदि आपको संक्षेप में जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में सभी नवग्रह में शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को मानसिक सुखों का, वैवाहिक सुखों का और पारिवारिक सुखों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हो, देखिए जीवन में कई प्रकार की सफलता प्रदान करते हैं। शुक्र अगर बलवान हो तो जातक का जो मन है क्रिएटिव क्षेत्रों की ओर काफी ज्यादा जाता है और क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। जैसे संगीत हुआ, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। शुक्रदेव अगर बलवान हुए तो जातक का जो मन है, जातक की जो बुद्धिमत्ता है, उसमें एकाग्रता और शुभता ज्यादा मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में परिवारजनों का सहयोग मिलता है तथा सामाजिक रूप से जातक को भरपूर सहयोग समाज का मिलता है तथा समाज का सहयोग आसानी से मिल पाता है। यही शुक्र जब जन्म कुंडली में खराब होते हैं तो देखिए दरिद्रता यानी आर्थिक संकट देने लगते हैं। ये पीड़ित होते हैं तो देखिए जननांगों में रोग होता है, साथ में डायबिटीज की समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या, और चूंकि इनकी प्रकृति वायु प्रकृति है तो वायु जनित प्रॉब्लम भी ये दिलाते हैं। शुक्र पीड़ित होते हैं तो पुरुषों का कुंडली में विवाह नहीं होता है, विवाह में संभावना काफी नेगेटिव बनती है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि जातकों को किस प्रकार का बदलाव और कैसा प्रभाव मिलने वाला है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसलिए इसी आधार पर देखें। देखिए 25 अगस्त 2024 को दैत्य गुरु शुक्रदेव जो हैं वो आपके 11th हाउस यानी कन्या राशि और आपके लाभ घर में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 11वें घर से बड़े भाई के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में, लाभ के बारे में विचार विशेष रूप से करते हैं तथा कुंडली का जो 11वां भाव है उससे मित्रों के बारे में और आकस्मिक लाभ के बारे में भी विचार किया जाता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वृश्चिक राशि है उसमें देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनकी पंचम दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ने वाली है और जो जिस राशि में मौजूद है यानी बुध की राशि में मौजूद है, तो चूंकि बुध देव की अवस्था आपके लिए श्रेष्ठ है, आपके भाग्य भाव में प्रभावी है, तो ऐसे में आपको बहुत बुरा नीच रिजल्ट ये नहीं देने वाले हैं। सबसे पहले जातकों के जीवन में इस समयावधि में मित्रों से सहयोग की भावना का विकास होने वाला है और इस समयावधि में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में विदेश संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए यहां पर आपके जीवन में अत्यंत श्रेष्ठता मिलने वाली है।
उसके साथ साथ आपके जीवन में इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव एजुकेशन सेक्टर में है, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप अध्ययनरत हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक एजुकेशन फील्ड में उत्साहित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं और आपको शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम भी मिल सकता है। देखिए शुक्रदेव नीच राशि में विराजित हैं और ये आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन साथी को कड़वे शब्दों का प्रयोग इस समयावधि में नहीं करना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का भरपूर सम्मान आप यदि करते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा सकारात्मक रहने वाली है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में चूंकि ये लाभ भाव पर नीचस्थ अवस्था में विराजित है, तो इस समयावधि में आपके जीवन में धन लाभ की तो संभावना जरूर होने वाली है, लेकिन आपके जीवन में इस समयावधि में जातकों को संघर्ष से धन मिलने वाला है। लेकिन आपके जीवन में इस समयावधि में देखिए व्यय भी होने वाला है। ऐसे जातक जिनके जीवन में विवाह का योग नहीं बन रहा है, ऐसे जातक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है और जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, देखिए आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव के आने का योग भी यहां पर बनने वाला है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनिजन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, तो ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि अपने सेहत को लेकर लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रहने वाली है। और इस समयावधि में यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस समयावधि में सफेद चीजों का दान करना शुभ रहने वाला है। यदि आप शुक्रवार के दिन दही, चीनी, शक्कर, ग्लूकोज, चावल, मिश्री, कपास या सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके 11th हाउस में बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो ऐसे में इस समयावधि में माताओं बहनों का निरादर करने से जीवन में आपको बचना चाहिए। और साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभता देने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।